ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को एक मंच देने के लिए मानव सेवा सोसाइटी ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रेटर नोएडा के साकीपुर स्थित सीएस गार्डन में आयोजित इंडियन देसी टैलेंट हंट कार्यक्रम में कई युवाओं ने अपनी प्रतिभा को मंच पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस इंडियन देसी टैलेंट हंट को अप्रैल में और बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें पूरे देश की प्रतिभाओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल वो कर सकें। इस कार्यक्रम में दादरी के विधायक मास्टर तेजपाल नागर, मेरठ के सरधरा विधानसभा सीट के विधायक अतुल प्रधान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी सहित कई गणमान्य लोग बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन में गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट परमेंद्र भाटी, उनकी टीम का अहम योगदान रहा। इंडियन देसी टैलेंट हंट का आयोजन भाई प्रदीप भाटी जी हमारे बीच में पहुंचे, एडवोकेट परमेंद्र भाटी। ये होली मिलन समारोह इसलिए आयोजित किया गया था कि एक समरसता हर वर्ग और समाज में, एक क्षेत्र में एक शांति और एक समरसता का वो माहौल बने, और दूसरा इसके पीछे का जो मेन मकसद था वो ये था, मानव कल्याण सोसाइटी नाम के एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, गायन के क्षेत्र में हैं, यानी किसी भी क्षेत्र में हैं, उनको निखार करके जिस तरीके से ग्रांड फिनाले होता उसी तर्ज पे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के भिन्न भिन्न जाति धर्म और समुदाय के लोग जो हैं वो आए, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले, इसका मेन मकसद ये है। बहुत अच्छा जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, हमने उसकी उसमें परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सभी का प्यार हमें मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरा मानना है कि अगर मेहनत करी जाए, सिंगिंग में बहुत मुकाम है, मेहनत करने वाला कोई आदमी चाहिए। जैसे मैंने अपने गुरुजी सतपाल दोसा जी के साथ में रह के और मेरे गुर्जर समाज ने मुझे बहुत ही मतलब उठाया है, बहुत सहारा दिया है। स्कूल में जब हमने शुरुआत की थी 5वीं क्लास में, तो वहाँ से ही हमने शुरुआत की थी अपने इस छोटे से सफ़र की, और मेहनत करते गए और अपने समाज के हिसाब से, सभी के हिसाब से हम गाने गाते चले गए, रागनियाँ भजन वगैरह, और आज आपके सामने बस संदेश तो यही देना चाहेंगे कि गलत राह पे ना चलें, जो भी है समाज के लिए जितना अच्छा कर सके कार्य करें, समाज के नई बुलंदियों पर ले जाएं, सरकारी जॉब वगैरह पे मतलब पुलिस प्रशासन में आर्मी में जाएं, जो जिसमें टैलेंट हो उस तरह से गलत राह पर ना जाएं बिल्कुल भी। बस जी शुरू से ही अपना जो मतलब अब ऐसे डायलॉग वगैरह लिखा करते थे, तो फिर ऐसे धीरे धीरे सॉन्ग बनाने की स्टार्टिंग करी, लिखना स्टार्ट करा, पहले कुछ गलतियाँ भी हुई, लिखा भी नहीं गया, फिर धीरे धीरे मतलब ये है कि आदमी एकदम से दिखाई देता है लेकिन जो उसके पीछे का रहता है ना जो स्ट्रगल, वो कितने साल से लग रहा वो बहुत कम दिखाई दे रहा।